हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2020 के जो आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म को मोबाइल से फिलअप करना है। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट्स आ रही थी, उन डाउट्स के बारे में हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला डाउट ये आ रहा था कि मेल और मोबाइल नंबर में जो आपको ओटीपी है वो आपको रिसीव नहीं हो रहा है, और ओटीपी से आपकी जो वेरिफिकेशन है ईमेल की और मोबाइल की नहीं हो रही है। सेकंड डाउट आपका ये है कि डॉक्यूमेंट को कैसे आपको रिसाइज करना है फोटो सिग्नेचर, क्योंकि सिग्नेचर और आपका जो फोटो है उसकी कंप्लीट यहाँ पे डायमेंशंस और यहाँ पे साइज इन्होंने मांगा गया है, उसी साइज के बीच में आपको रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड करना है। और जो आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी का कोई सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अपलोड करते हो, उसको आपने कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, कैसे इसको कंप्लीट रिसाइज करना है, 500 केबी से कम उसको साइज कैसे बनाना है, कंप्लीट प्रोसेस फोन से कैसे करनी है, वो हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से फ्रेंड्स स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे कैसे फॉर्म को कंप्लीट सबमिट करना है। तो कंप्लीट डाउट्स के बारे में हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो हमने पिछले वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर दिया था। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन आप उस वीडियो में देख लेंगे और कंप्लीट अपनी रजिस्ट्रेशन को फ्रेंड्स कंप्लीट कर लेंगे। 24 सितंबर 2019 को आपकी लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद आपकी यहां पे जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड होगी एक हफ्ते के लिए, और 1 अक्टूबर 2019 तक आपकी यहां पे कंप्लीटली लास्ट डेट रहेगी एक्सटेंडेड पीरियड को भी खत्म करके। और एक्सटेंडेड पीरियड के टाइम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, कितनी पे करनी है वो आप फ्रेंड्स पिछली वीडियो में अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, सबसे पहले वो यहाँ पे अपना मेल आईडी और पासवर्ड जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन के टाइम सेट किया था वो यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे कर देंगे सबमिट। तो यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन होके आ जाएगा। आपको यहाँ पे क्लियरली अपने एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कंप्लीट डिटेल्स आपको अपने अकॉर्डिंग डालनी है, जैसे कि यहाँ पे आप गेट का पेपर किसमें देना चाहते हैं, इंजीनियरिंग अगर आपने कर रखी है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जिसमें भी आप देना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन सिटीज आप अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन डाउट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले आपका यहाँ पे मेल एड्रेस और दूसरा नंबर यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर। तो सबसे पहले जब आपने इसके रजिस्ट्रेशन की थी आपको वहां पे मेल रिसीव हुई होगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल आपको इस तरीके से रिसीव हुई होगी, आपको वहां पे ओटीपी आया होगा, वही ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। तो जिन स्टूडेंट्स को वहां पे ओटीपी नहीं आया था आपको मेल पर, तो आपको यहाँ पे दोबारा से अपनी यहाँ पे मेल चेक करनी है कि यही मेल आपने अपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम डाली थी और सेम मेल पे आपको जो है मेल एड्रेस पे फ्रेंड्स ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको वेरीफाई मेल एड्रेस पे क्लिक कर लेना है और जो आपको ओटीपी आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और अगर आपको ओटीपी नहीं आया तो आप यहाँ पे डायरेक्टली रिसेंड ओटीपी क्लिक करेंगे, एक या फिर 2-3 सेकंड के अंदर अंदर गारंटेड आपको आपकी मेल पर ओटीपी आया होगा, अगर आपने अपना मेल एड्रेस यहाँ पे सही डाला होगा। तो यहाँ पे हम ओटीपी डाल देते हैं जो कैंडिडेट को यहाँ पे आया है मेल वाला। सेम प्रोसेस आप यहां पे करेंगे और यहां पे कर देंगे आप ओके। तो देख सकते हैं आप मेल आईडी यहां पे वेरीफाई हो चुकी है, सिमिलरली मोबाइल नंबर आप यहां पे वेरीफाई करेंगे। अगर मोबाइल पे भी आपको ओटीपी नहीं आया है, मोबाइल नंबर आप यहां पे चेक करेंगे, सही मोबाइल नंबर आपका यहां पे होना चाहिए और 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपके मोबाइल पे फ्रेंड्स ओटीपी आ जाएगा। तो यहां पे आपको जो ओटीपी आएगा मोबाइल पे वो आपको यहां पे डालना है। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स फिलअप कर ली हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे कर देंगे ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस दोनों यहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं, जो आपके डाउट्स थे वो आपके यहाँ पे क्लियरली हो चुके हैं। डायरेक्टली आपको फोन से कंप्लीट प्रोसेस बता दी कि कैसे आपको फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करना है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, फोन से जब फिल करेंगे आप यहाँ पे क्रोम से यहाँ पे डेस्कटॉप साइट को ऑन करेंगे, ताकि कंप्लीट आपका जो फॉर्म है जैसे डेस्कटॉप में ओपन होके आता है ऐसे फ्रेंड्स आपके मोबाइल में आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखें कि उनको यहाँ पे फीस में थोड़ी रिलैक्सेशन रहेगी, 50% उनकी फीस रहेगी, तो उनको यहाँ पे अपनी कैटेगरी सही से सिलेक्ट करनी है और साथ में उनको अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। कितना साइज उसका होना चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
तो यहां पे आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में। तो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और आपका जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर जो आप अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उसको कैसे रिसाइज करना है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। तो फ्रेंड्स फोटो और सिग्नेचर को कैसे आपको रिसाइज करना है कंप्लीट डायमेंशन के अंदर वो हमने पहले से वीडियो में डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहां पे अच्छे तरीके से समझ लेंगे कि फोटो और सिग्नेचर को कैसे आप फोन से रिसाइज कर सकते हैं और फोन से रिसाइज करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पे प्रोसेस दिखा रहा हूँ कि फोटो और सिग्नेचर जो मैं यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करके दिखाऊंगा ये कंप्लीटली फोन से रिसाइज किए हुए हैं। सिमिलरली आप वहां से फोटो और सिग्नेचर को अच्छे तरीके से रिसाइज करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स कर देंगे अपलोड, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आप यहाँ पे अपलोड करोगे। तो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट का आपका जो फॉर्मेट है वो फ्रेंड्स आपका यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज आपका यहाँ पे 10 से लेके 500 केबी के बीच में होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जैसे आप यहाँ पे फोटो को रिसाइज करोगे, जैसे उसको फोटो अच्छे तरीके से क्लिक करोगे, ऐसे ही आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट को भी जो आप एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे उसको भी सबसे पहले आपने ऐसे क्लियर उसका फोटो कैप्चर करना है और उसके बाद आपने उसको सबसे पहले करना है रिसाइज। तो रिसाइज करने का सेम आपका जैसे फोटो को रिसाइज करोगे ऐसे आप एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट को भी रिसाइज करोगे और उसका साइज आप यहां पे 400 केबी या 450 केबी तक उसका साइज बना लोगे और उसके बाद पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है उसका लिंक भी मैं सेपरेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो कंप्लीट जो डॉक्यूमेंट है फोन से आपके रिसाइज हो जाएंगे, ये जो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा फोन से ये सारे डॉक्यूमेंट रिसाइज है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं फोटो को आपने कैसे रिसाइज करना है। तो जहां भी आपका गैलरी में फोटो पड़ा हुआ है वहां से आप डायरेक्टली यहाँ पे उठा लेंगे। यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे अपलोड होता है। तो फोटो और सिग्नेचर को यहाँ पे मैं सबसे पहले कर लेता हूँ चूज। फोटो हमने यहाँ पे चूज कर लिया है, डायरेक्टली आप भी ऐसे ही चूज करके यहाँ पे कर लेंगे अपलोड। तो अपलोड इमेज पे जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हो उसके बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फोटो हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। क्लियरली फोन से हमने फोटो को रिसाइज किया है कंप्लीट, जो इन्होंने यहाँ पे डायमेंशन और यहाँ पे जो साइज उन्होंने बताया गया था। सिमिलरली ऐसे ही आप सिग्नेचर को भी यहाँ पे चूज करोगे, ऐसे यहाँ पे चूज करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे अपलोड के बटन पे आप कर दोगे क्लिक। तो सेम प्रोसीजर आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। तो सिग्नेचर भी यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आप सिग्नेचर भी यहाँ पे सक्सेसफुली फ्रेंड्स अपलोड हो चुके हैं। फोटो और सिग्नेचर फोन से रिसाइज करके यहाँ पे अच्छे तरीके से अपलोड हो चुके हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल भी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपने इसको कहाँ से रिसाइज किया है। सिमिलरली आपको यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट या फिर जो आप कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे उसको आपने कैसे रिसाइज करना है, कैसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है आपको बता दिए। फोन से कंप्लीट प्रोसेस को आप कर सकते हो और यहाँ पे आप कर देंगे रिसाइज करके यहाँ पे कर देंगे अपलोड। कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे व्यू करने के बाद अब एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आपके मोबाइल में अपलोड हो जाएगा। प्रीव्यू आप उसका चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आपने बनवाया था वही यहाँ पे अपलोड हो चुका है सही तरीके से। तो कंप्लीट आपका जो फॉर्म है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट अपनी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा कैसे फिलअप करना है, यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग पूरी डिटेल्स को फिलअप करोगे और कंप्लीट डिटेल्स को फिलअप करने के बाद आपको ये वाला बीच में जो आपको डाउट्स आएंगे वो आपके यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं मैंने। फोटो सिग्नेचर और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करोगे उसमें आपको डाउट आनी थी वो मैंने आप यहाँ पे क्लियर कर दिया। जो स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में बार बार पूछ रहे थे कि आप यहाँ पे फोन से कंप्लीट फॉर्म को फिलअप करके दिखाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट रिसाइज करके यहाँ पे अपलोड करके आपको प्रैक्टिकली फ्रेंड्स दिखा दिया है। अब आपका लास्ट यहाँ पे बचाता है, आप यहाँ पे जब कंप्लीट फॉर्म को फिलअप कर लेते हो उसके बाद आई एग्री करके आप यहाँ पे सेव एंड व्यू एप्लीकेशन जरूर करोगे। जब आप यहाँ पे सेव एंड व्यू एप्लीकेशन कर देते हो तो जो आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फिलअप की है उसको आप कंप्लीट एक बार चेक करोगे, अपना नाम, अपना जो आपका फादर नेम आपने लिखा हुआ है, एड्रेस जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है उसको एक बार कंप्लीट आप चेक कर लेंगे। अगर कोई गलती रहती है तो आप उसको एडिट यहाँ पे कर सकते हो। तो कंप्लीट चेक करने के बाद आप यहाँ पे सेव कर देंगे और सेव करने के बाद जब आपको लगता है कि कंप्लीट आपकी इन्फॉर्मेशन सही है जो आपने यहाँ पे डाली है उसके बाद आप यहाँ पे कर देंगे सबमिट। तो जब आप यहाँ पे फाइनल सबमिट कर देते हो उसके बाद कोई भी आप एडिट फॉर्म को नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी यहाँ पे रहती है पेमेंट। तो पेमेंट आपको यहाँ पे किसी भी मोड से आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग के थ्रू, तो किसी भी मोड से आप अपनी जो पेमेंट है वो फ्रेंड्स आप कर सकते हो। पेमेंट प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पे क्लिक करने के बाद पेमेंट कैसे करनी है वो आपको यहाँ पे पता है। आपको डेबिट कार्ड के डायरेक्टली अपना जो
कार्ड नंबर आता है, आपका नाम, जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है, और नेट बैंकिंग अगर आप करते हो तो यूजर आईडी और पासवर्ड वहां पे डाल के, जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपके अकाउंट नंबर के साथ उस पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पे डालोगे और कंप्लीट आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हो, ओटीपी डालने के बाद डायरेक्टली आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। डायरेक्टली आपको यहाँ पे वो प्रिंट अपने पास रखना है फॉर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो फ्रेंड्स ये थे आपके जो कंप्लीट डाउट्स गेट 2020 के रिगार्डिंग, आपको यहाँ पे ओटीपी मेल और मोबाइल पे रिसीव नहीं हो रहा था, तो बता दिया मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे करके, और फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट जो आपके रिसाइज फोन से नहीं हो रहे थे फोन से रिसाइज किए हैं, और कंप्लीट आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली फ्रेंड्स करके दिखा दिया है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रह जाती है, डाउट रह जाता है, तो डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, विद इन सेकंड्स में वहां पे रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को फ्रेंड्स से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगर डॉक्यूमेंट कोई आपसे रिसाइज नहीं होता तो डायरेक्टली आप चैनल के अबाउट सेक्शन में आएंगे, मेल आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी, मेल पर आप डायरेक्टली अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करेंगे, आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक रहेगी, आपको डायरेक्टली कंप्लीट डॉक्यूमेंट को रिसाइज करके वापस आपकी मेल पे सेंड कर दिए जाएंगे, और डायरेक्टली आप अपने गेट 2020 के ऑनलाइन फॉर्म को कंप्लीट करें। कोई टेंशन नहीं लाए, कोई पैनिक नहीं हो, डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में पूछें, आपको वहां पे फ्रेंड्स विद इन सेकंड्स में सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।